देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज, मैं हूं प्राची तिवारी। रुपए की जरूरत तो हम सबको होती ही है, तो जाहिर है कि आप भी अपनी जेब में रुपए लेकर घूमते होंगे। मगर जनाब, अगर अब आप नोट अपनी जेब में लेकर चल रहे हैं तो साथ में एक हैंड सैनिटाइजर लेकर चलें या बीच बीच में अपने हाथ धोते रहें, वरना हॉस्पिटल जाकर लंबा बिल देने के लिए तैयार हो जाएं। जी हाँ, क्योंकि अगर आपने नोटों को हाथ लगाने के बाद हाथ नहीं धोए तो आपको टीबी, अल्सर, सेप्टिसीमिया जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम आपको ये बता दें कि एक शोध रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि करेंसी नोट कई तरह की बीमारियों को न्योता देती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करेंसी नोट कई हाथों से होकर आप तक पहुंचती है, जिसमें ऐसे लोग भी शामिल होते हैं जिन्हें गंभीर बीमारियां होती हैं। इसी वजह से करेंसी नोट कई तरह के कीटाणुओं के संपर्क में आते हैं, जिसकी वजह से हमेशा बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। इसलिए इसकी गंभीरता को देखते हुए कैट ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को एक पत्र भेजकर इस संबंध में जानकारी मांगी और साथ ही इसके समाधान के बारे में भी पूछा है। इस संगठन का मानना है कि सरकार के अलावा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भी इस मामले में आगे आना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि ये नोट आपके लिए किस तरह और क्यों खतरनाक है। दरअसल काउंसिल ऑफ साइंस साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के मुताबिक इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के शोध में करेंसी नोटों में 78 तरीके की बीमारियां फैलाने वाले बैक्टीरिया मिले हैं। वहीं ज्यादातर नोटों में पेट खराब होने, टीबी, अल्सर जैसी बीमारियां फैलाने वाले कई बैक्टीरिया मिले हैं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि सरकार इसमें क्या कर सकती है, तो हम आपको बता दें कि जापान और यूरोप के कई देशों ने नोटों को मशीनों के जरिए बैक्टीरिया मुक्त करने की व्यवस्था बहुत ही समय पहले से कर रखी है। यही नहीं, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ करंट माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड साइंसेज ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली मेडिकल कॉलेज में 2016 में करेंसी नोटों पर एक शोध किया था। जिन 120 नोटों पर रिसर्च की गई उनमें 86% नोट बैक्टीरिया से संक्रमित थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी नोटों को डॉक्टर, बैंक, बाजार, मीट कारोबारी, छात्रों और कुछ गृहिणियों से लिया गया था। डॉक्टर से लिए गए नोटों में मूत्र संबंधी, सांस लेने में परेशानी, सेप्टिसीमिया, त्वचा संक्रमण और दिमागी बुखार आदि के कई कीटाणु मिले। वाकई में शोध में भी जब नोट इस हद तक दूषित पाए गए हैं तो सरकार ही नहीं बल्कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी जांच के लिए अब आगे आ जाना चाहिए। आखिर ये नोट किस हद तक हमारे और आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं, और जो रुपए को बैक्टीरिया मुक्त करने की तकनीक जापान में इस्तेमाल की जाती है वही अब भारत में भी लागू हो जानी चाहिए। ऐसी ही खबरों और जानकारियों को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।